नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार और आज का हमारा टॉपिक है RBI's रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने अपनी एनुअल रिपोर्ट करेंसी एंड फाइनेंस को लॉन्च किया है फॉर ए ईयर 2021 to 2022। और इस रिपोर्ट की थीम रखी गई है दोस्तों, रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। इस रिपोर्ट की माने तो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी को COVID-19 पेंडेमिक में हुए लॉसेस से रिकवर होने में 10 वर्षों से ज्यादा का टाइम लग सकता है। इस रिपोर्ट में जिन रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है वो सब 7 व्हील ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंतर्गत आते हैं। ये 7 व्हील ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैं: फर्स्ट, एग्रीगेट डिमांड; सेकंड, एग्रीगेट सप्लाई; थर्ड, इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरीज एंड मार्केट; फोर्थ, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन; फिफ्थ, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस; सिक्स्थ, स्ट्रक्चरल चेंज एंड 7th, सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिजिबल रेंज ऑफ GDP ग्रोथ को रखा गया है 6.5 to 8.5 फॉर ए मीडियम टर्म स्टेबल स्टेट कंडीशन। इस रिपोर्ट में प्राइस स्टेबिलिटी को एक प्री नेसेसरी कंडीशन बताया गया है फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इस रिपोर्ट में टाइमली रिबैलेंसिंग ऑफ द मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज के बारे में भी बताया गया है। इस रिपोर्ट में आने वाले 5 सालों में गवर्नमेंट डेबिट को 66% ऑफ द GDP से कम करने की बात भी कही गई है। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोज़ चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।